आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल विद वर्किंग प्रोफेशनल की कोर्स में हम बात करेंगे आपके साथ फॉर्मेटिंग कंसेप्ट की। हम शुरू से कर रहे हैं तो हमने क्लिपबोर्ड का किया है चैप्टर, कॉपी पेस्ट कैसे करना है और पेस्ट स्पेशल क्या है इसके बारे में डिस्कस किया है। इसके बाद हम अगले चैप्टर हम आते हैं अलाइन इसमें फॉर्मेटिंग में, इसमें फॉन्ट अलाइनमेंट नंबर्स इनो में। अब यहाँ पे इतना बेसिक आप लोगों को नहीं बताऊंगा मैं कि कलर कैसे करते हैं, बॉर्डर कैसे करते हैं, बोल्ड कैसे करते हैं। आई थिंक ये सारी चीज आपको पहले से आती होगी, लेकिन इसमें कुछ फॉर्मेटिंग ट्रिक्स है जो हम बताएंगे। ये जरूरी क्यों है, चार चीज को जानिए कि हम कोई भी रिपोर्ट बनाते हैं उसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है उसकी फॉर्मेटिंग। जैसे मान लीजिए इसी रिपोर्ट को हम बात कर लेते हैं, ग्रांड चार्ट रिपोर्ट को, तो ये रिपोर्ट पे बनाया गया है, फॉर्मूला लगाया गया है, सब कुछ किया गया है, लेकिन ये अच्छा कैसे क्यों दिख रहा है? ये अच्छा दिख रहा है इसकी फॉर्मेटिंग से। अगर मान लीजिए इसकी फॉर्मेटिंग ना की जाती, सिंपल ऐसे लगा कर छोड़ दिया जाता, तो ये रिपोर्ट इतना अच्छा नहीं दिखता। इसकी फॉर्मेटिंग हर एक चीज को रखने की जगह और हर एक चीज पर डालने की कलर, कॉलम की साइज, इस सब मिला के एक फॉर्मेट के रूप में तैयार किया गया है, तब जाके ये रिपोर्ट अच्छा बना। तो किसी भी रिपोर्ट का सबसे अच्छा पार्ट होता है फॉर्मेटिंग। दीपक जी आपने दोबारा ज्वाइन किया है? अच्छा, दो दो बार जब ज्वाइन कर लिया दीपक समाज जी आपने? नहीं सर, वो लास्ट वाला मेरा पता नहीं डिस्कनेक्ट हो गया था, अलाउ कर दीजिएगा प्लीज। वो अभी भी दिखा रहा है कनेक्टेड हमारे में, तो पता नहीं सर डिस्कनेक्ट हो गया था मुझे। सर रिकॉर्डिंग परमिशन और दीजिएगा सर, रिकॉर्डिंग परमिशन दे दिया। तो यहाँ पे हम बात करें इस तरह की फॉर्मेटिंग की, ऐसे ट्रिक्स की बात करेंगे, छोटे छोटे ट्रिक्स की बट काम की चीजें हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर हम यहाँ पे टेंथ लिखें तो टीएच ऊपर कैसे जाएगा। इसके लिए क्या करेंगे कि हम इस पे डबल क्लिक करते हैं, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, और फॉर्मेट सेल में आपका यहाँ पे होता है सुपर स्क्रिप्ट। इस सुपर स्क्रिप्ट को सेलेक्ट करेंगे एंड ओके कर देंगे। ऐसे मान लीजिए आपको 10 डिग्री लिखना है तो 10 और यहां पे स्मॉल में O लिख दें और इसके ऊपर राइट क्लिक करें, फॉर्मेट सेल में जाए और सुपर स्क्रिप्ट कर दें। ये आपका 10 डिग्री दे देगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होगी? प्रॉब्लम ये होगी कि जब हमारे पास बहुत सारे नंबर्स होंगे, वहां पे प्रॉब्लम होगी। अब मुझे इन सबों में चाहिए, हो सकता है इससे ज्यादा नंबर हो, हजारों में हो, तो क्या करेंगे? तो उस केस में हम एक छोटा सा ट्रिक्स करेंगे, हम इसके बगल वाले सेल में ओ लिख देंगे और इसको ड्रैग कर देता हूं और फिर इसको इसकी जो कॉलम साइज है उसको छोटा कर देंगे और इस पे हम वही फॉर्मेट सेल में जाएंगे, यहां फॉर्मेट सेल, और यहां आप देखेंगे ये आपको दिख रहा होगा सुपर स्क्रिप्ट, इसको अप्लाई करेंगे और हम वापस ओके कर देंगे। उसके बाद हम इसको यहां पे लेंगे, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, वापस फॉर्मेट सेल में जाएंगे और इस पर इसके बॉर्डर में जाएंगे। यहां देखिए, तो बॉर्डर में हमने क्या किया,
हम यहां इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको यहां से लेते हैं। ओके, और ये जो लाइनिंग है हम लाइनिंग को बीच, सॉरी ये बीच में नहीं, ये दे देते इस वाले जो लाइनिंग है उसको हम नहीं देंगे, इसका ध्यान रखिए। लेते हैं हम यहां इस करते हैं और इस वाले को लेके बीच में डालते हैं और फिर यहां से ओके कर देते सामने। लेकिन अभी भी वो इतना अच्छा से नहीं दिख रहा है, तो हम यहां पेज लेआउट में आएंगे और यहां से इसकी ग्रिड लाइन को हटा देंगे। आप दिख रहा है डिग्री सर पूरा एकदम, इसको भी छोटा करना चाहते हो तो इसको भी छोटा कर सकते हो, इसका यह यूज करते हैं हम लोग। तो इस तरह के ट्रिक्स हम फॉर्मेटिंग यूज करते हैं। ऐसे आपको अगर मान लीजिए H2O लिखना है तो हम डबल इस पे क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और वापस फॉर्मेट सेल में आते हैं और यहां से मैं सुपर स्क्रिप्ट की जगह पे सब स्क्रिप्ट सिलेक्ट करता हूं और सब स्क्रिप्ट को यूज करके ओके कर देता हूं। तो यहां आपका सब स्क्रिप्ट का पार्ट आ जाता है, नीचे आ जाता है। हम बॉर्डर की बात करते हैं। मान लीजिए कि हमने कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं और इस कुछ नंबर्स में कुछ गलत है, तो अगर आप इसको नोट पैड में देखेंगे, अगर इसको आप नोट पैड में देखेंगे तो क्या करेंगे, जो गलत होगा उसको पेंसिल से आप इस तरह से काट देंगे। बट ये तो मेरा जूम का फीचर है इसलिए मैं काट रहा हूं, बट आप एक्सेल में कैसे करना चाहते हो, क्योंकि प्रिंटआउट तो है नहीं, इसी तरह का कुछ फीचर चाहिए आप। तो इसके लिए जिसको इसको करना है उस पर जाएंगे, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल पे आएंगे और यहाँ फॉर्मेट सेल के बॉर्डर पे आएंगे और आप देखेंगे इसमें, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, हाँ यहाँ, कि या हम बॉर्डर को चारों तरफ से तो ले जाते ही हैं, हम बीच से भी ले जा सकते हैं। यहाँ से इसको क्लिक करेंगे और इसको यहां से क्लिक करेंगे। अगर चाहो तो आप यहां से कलर भी चूज कर सकते हो कि कलर क्या चाहिए, तो हमने बोला यहां से रेड कलर चाहिए, तो फिर वापस हम इस पर क्लिक करेंगे रेड कलर के लिए, कलर हो गया और फिर इस पर हम ओके कर देंगे। ओके, जहां जहां करना है F4 कर दीजिए। F4 क्या करता है, F4 करता है लास्ट एक्शन को रिपीट, इससे लास्ट एक्शन को रिपीट कर दिया। अगर मैं फॉर्मेट सेल में जाऊं और वापस मुझे मतलब सही का निशान, टिक का निशान चाहिए, तो इसको सिलेक्ट करूंगा मैं, इसको सिलेक्ट करूंगा और इसको सिलेक्ट करूंगा आपके सामने बन गया। लेकिन ध्यान रखिएगा ये जस्ट प्रिंटिंग पर्पस के लिए किया जा रहा है, इससे हम कोई फिल्टर विल्टर नहीं लगा सकते या कोई कंडीशन वंडीशन नहीं दे सकते, ये जस्ट प्रिंटिंग पर्पस के लिए किया जाता है। ठीक है, प्रिंटिंग पर्पस के लिए किया जाता है। लेकिन मुझे ओरिजिनल में चाहिए कि ओरिजिनल कैसा होना चाहिए, इस तरह का चाहिए हमें, तो यहां पे हम पी लिखेंगे कैप्स में और हम इसके ऊपर फॉन्ट में हमारे पास एक बिटन, इसमें बाइंडिंग टू या बेटिंग टू ऐसे कुछ फॉन्ट है, देख लेता हूं मैं। इस फॉन्ट को अप्लाई कर देंगे तो ये क्या करेगा, पी को इस तरह के राइट के निशान में, टिक के निशान में कन्वर्ट कर देगा। अगर मैं कैप्स में ही ओ को लिखूं तो क्रॉस कर देगा, और जब हालांकि ये दिखता इस तरह से है बट एक्चुअल में तो ओ और पी ही है, तो
इसको फिल्टर भी कराया किया जा सकता है, इस पर हम कंडीशन भी लगाया जा सकता है। देखिए ऐसा हो सकता है क्योंकि ये जो फॉन्ट का पार्ट है, ये जो फॉन्ट जो होता है एक्सेल का नहीं विंडो का पार्ट होता है, तो हो सकता है किसी तरह की फॉन्ट आपके विंडो अपडेट में आपका फॉन्ट ना हो, या फिर इंस्टॉलिंग करते समय आपका फॉन्ट हो डिलीट हो गया, ऐसा भी हो सकता है। तो इस केस में क्या करेंगे हम, तो इस केस में हम कैप्स में जे को लिखेंगे और यहां अलाइनमेंट होता है, इसमें आपको -45 डिग्री का एंगल होता है इसके, इस पे अगर इसको कनेक्ट करते हैं तो जो जे है कुछ इस तरह का टिक का निशान बन जाता है, और क्रॉस के लिए एक्स तो है ही हमारे पास, हो गया। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि अलाइनमेंट का काम क्या इसी चीजों के लिए होता है? नहीं, अलाइनमेंट का काम एक और चीज के लिए भी हो सकता है। छोटा सा डेटा हम आपके साथ बना रहे हैं, जैसे कि नेम, और मान लीजिए कि अप्रैल का ही डेट डाल देता हूँ, डेट में कंट्रोल शिफ्ट हैश कर दीजिएगा तो डेट का फॉर्मेट आ जाता है फुल फॉर्मेट। हम छोटा सा अटेंडेंस का फॉर्मेट बना रहे हैं और फिर इसको नीचे की तरफ हम ड्रैग करते हैं और यहां हम देते हैं पी, जस्ट पी और ए ही तो है। सॉरी नोट कीजिएगा, तो यहां पे हम इसको डबल क्लिक कर देते हैं, तो डबल क्लिक करने से क्या होता है ऑटो फिट हो जाता है, जितना बड़ा साइज चाहिए सिस्टम को उतना बड़ा साइज आता है। तो ऑटो फिट कैसे करते हैं, पूरी सीट को सिलेक्ट कर लीजिए यहां से और किसी ही भी कॉलम के बॉर्डर पे डबल क्लिक कर दीजिए। अब यहां पे प्रॉब्लम आ गया कि इसको एक पेज में प्रिंट कैसे किया जाए, तो मैंने यहां पे क्या किया, पोर्ट्रेट की जगह पे लैंडस्केप कर देता हूँ, पेपर साइज को भी मैं A4 तो सही है, मैं नॉर्मल मार्जिन की जगह पे नैरो मार्जिन कर देता हूँ, फिर भी मेरा 15 तारीख तक का ही अटेंडेंस यहाँ पे दिखा, क्योंकि पेपर की एक लिमिटेशन है। तो अगर मैं इसको प्रिंटिंग छोटा करूँगा तो फिर विजिबिलिटी नहीं रहेगी, पढ़ने में दिक्कत होगी, काफ़ी छोटा छोटा आ जाएगा, क्योंकि तो दो पेज का एक पेज में दिक्कत हो जाएगा सर, थोड़ा बहुत एक दो चार पांच कॉलम हो तो अलग किया जा सकता है, पर दो पेज का एक पेज करना है। तो हम जैसे देख पा रहे हैं कि हमारा डेटा छोटा ही है बट हमारे कॉलम की हेडिंग जो है वो बड़ी है, तो हम क्या करेंगे कि कॉलम की हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ फॉर्मेट से मैंने यहीं पे आपको अलाइनमेंट में ही जाएंगे जाएंगे और इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, टेक्स्ट रोटेट टेक्स्ट अप हो गया, और फिर से पूरी सीट को सिलेक्ट करते हैं और इस पे डबल क्लिक करते हैं। अब मैं एक पेज से भी कम साइज में मेरा अटेंडेंस बन गया। अब प्रिंट करते समय पेज लेआउट में मैं ग्रिडलाइन को भी दे देता हूँ, मैं ग्रिडलाइन भी पेज प्रिंट हो, इससे क्या होगा कि आपको डेटा में डॉट लाइनिंग इस तरह की आ जाएगी, या फिर आप चाहो तो अपना बॉर्डर भी दे सकते हो, आप डॉट लाइनिंग नहीं लगाना चाहते हो तो आप इसको सेलेक्ट करें राइट क्लिक फॉर्मेट सेल,
मोटे वाले को सिलेक्ट करके दे दिया ये, और डॉट लाइन को कर दिया बीच। हम लोग अपना प्रिंट करते थे कार्टेज बचाने के लिए, डॉट लाइनिंग प्रिंट करते थे ताकि कार्टेज कम लगे, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रिंटिंग का काम होता था ना सर, इसलिए। सवेद जी समझ में आ रहा है ना आपको? जी सर जी, आपके बैकग्राउंड से शोर आ रहा था तो म्यूट कर दिया था मैंने, कोई प्रॉब्लम सर। दीपक जी, सिन्हा जी, कोई दिक्कत इसमें? नो सर, कम क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते। ये जो चीजें है, छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन आपको रिपोर्ट बनाते समय इसकी जरूरत काफी पड़ जाती है, इसलिए चीजें हम बता रहे हैं आपको। बाकी कलर वगैरह लगाना तो आता ही है आपको, यहां से लगा सकते हैं आराम से, मोर फिल में लगा सकते हैं, मोर फिल पे जा सकते हैं, ये तो चीज नॉर्मल चीजें हैं, तो आपको आती होगी। ये आपकी अलाइनमेंट्स है, ये आपका ये है डिक्रीज इंक्रीज इन लेन है। एक बार इसको बता देते, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है, तो एक बार इसको समझा देता हूँ मैं। जैसे मैंने यहाँ पे 12 लिख दिया, राइट, तो अभी लेफ्ट में आ रहा है, मैं यहाँ से इसको टॉप कर सकता हूँ, मिडल या टॉप कर सकता हूँ, ये आपका लेफ्ट सेंटर राइट हो सकता है। लेकिन इससे क्या होता है कि एक निश्चित स्पेस में कितना बड़ा कॉलम ना हो, अगर सेंटर कर दिया सेंटर में ही आएगा, लेफ्ट कर दिया लेफ्ट में, राइट कर दिया राइट में, राइट में ही आएगा। बट अगर थोड़ा बहुत घिसकाना हो, कभी कभी फॉर्मेटिंग में ऐसा जरूरत पड़ जाती है फॉर्म वगैरह डिजाइन करते हैं, तो ये यहाँ से आप अपने हिसाब से एक एक टैब को घसका सकते हैं बिना स्पेस दिए हुए। बहुत सारे लोग इसके लिए स्पेस दे देते हैं, बट स्पेस देने से वैल्यू चेंज हो जाती है, दे सकते हैं। उस तरह से आप यहाँ पे मर्ज है, सेल को मर्ज कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी एक है मर्ज अक्रॉस, जिसमें आप सिर्फ आपका कॉलम मर्ज होगा, रो नहीं। तो कभी कभी हमें इसकी भी जरूरत पड़ती है जब हम फॉर्म वगैरह बनाते हैं। तो उसके बाद बात करते हैं रैप टेक्स्ट की। रैप टेक्स्ट की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या होता है कि कभी कभी हम कुछ नाम लिखते हैं तो दूसरे कॉलम में चला जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे दिया सुजीत कुमार, सुजीत कुमार देने के बाद हम एंटर मारते हैं, तो देखिए कुमार जो है अगले कॉलम में जा रहा है। अभी तो दिख रहा है, लेकिन अगले कॉलम में कोई डेटा होता तो ये नहीं दिखता, ये हिडन हो जाता। तो इसके दो उपाय, खाए तो मैं यहां पे डबल क्लिक करूं और इसको बड़ा कर दूं, मतलब इसको हमारे पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि हम इस पे डबल क्लिक करके इसको बड़ा कर दें, या दूसरा ऑप्शन है इसमें तो यहां से रैप टेक्स्ट करेंगे तो तोड़ के नीचे आ जाता है। अब रैप टेक्स्ट करते समय मुझे यहां पे ये भी करना है कि अपने हिसाब से तोड़ना है, क्योंकि यहां पे जो मैंने तोड़ा तो क्या होता है कि एक कॉलम की साइज, स्पेस और बहुत सारी चीजों को देखते हुए फिट होता है, लेकिन मुझे अपने हिसाब से तोड़ना है टाइपिंग करते समय। तो आप ऑल्ट एंटर प्रेस कर सकते हैं, ऑल्ट एंटर प्रेस करेंगे तो जहां से ऑल्ट एंटर प्रेस करेंगे वहां से टूट के नीचे की तरफ आ जाएगा। यहाँ रैप टेक्स्ट में आपका रो बड़ा हो जाता है, तो मुझे रो भी बड़ा नहीं करना है, कॉलम भी बड़ा नहीं करना है। जितना बड़ी कॉलम की साइज है हमारी, मेरा टेक्स्ट उसी में फिट होना चाहिए। तो यहाँ अलाइनमेंट पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, यहीं पे आपको दिखेगा श्रिंक टू फिट, श्रिंक टू फिट पे जाइए एंड ओके कर दीजिए, तो आपका जितना कॉलम का साइज है ये आपके में पेस्ट हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी हम लोग कुछ ऐसा चीज प्रिंट करते हैं जिसके लिए हमने फॉर्मेट और फॉर्मूला सेट किए रहते हैं, तो हर बार अलग अलग तरीके से पेस्ट होता है, इसलिए ये जरूरी है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब बात होती है नंबर फॉर्मेटिंग। नंबर फॉर्मेटिंग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि हम अपने ऑफिस में सबसे ज्यादा फॉर्मेटिंग, सबसे ज्यादा काम नंबर्स पे करते हैं, क्योंकि एक्सेल नंबर्स के लिए ही बनाया गया है। तो
नंबर फॉर्मेटिंग पे हम आते हैं। तो नंबर फॉर्मेटिंग में सबसे पहला फॉर्मेट होता है जनरल का, मतलब कि जैसा डालोगे उस तरह का फॉर्मेटिंग होता है। अब मैं आपको कुछ वैल्यू टाइप कर देता हूं, आप इसके ऊपर जाता हूं, आता है आपके पास नंबर का। इसमें आप डेसिमल प्लेसेस को ऐड कर सकते हो, थाउजेंड सेपरेटर ऐड कर सकते हो, और नेगेटिव में वैल्यू क्या होना चाहिए। अगर नॉर्मल तो सिलेक्ट होता है, लेकिन मैं इसको सिलेक्ट कर दूं नीचे वाले को, तो क्या होगा, ये रेड हो जाएगा। माइनस का सिंबल नहीं दिखेगा, रेड हो जाएगा। ये ब्रैकेट में आएगा, ये ब्रैकेट और रेड दोनों हो जाएगा। बट इंडिया में ये माइनस का सिंबल ही चलता है। करेंसी की बात करें तो सबको सेम है, बट यहाँ पे करेंसी का सिंबल ऐड कर सकते हैं। यहाँ से जैसे रुपीज का, डॉलर का सिंबल आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, या फिर करेंसी कोड जैसे INR यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग का भी सिर्फ हम यहाँ पे करेंसी कोड या करेंसी का सिंबल यूज किया जा सकता है, लेकिन इसका यूज हम लोग एक और करते थे अपने ऑफिस में। हमारे पास कुछ डेटा हुआ करता था, उस डेटा की हमें प्रिंट आउट निकालनी पड़ती थी, और प्रिंट आउट होता था ब्लैक एंड व्हाइट में। तो उस समय होता क्या था कि हमारे पास इस तरह का डेटा है, तो इसमें कहीं कहीं पे जीरो होता था, तो जीरो जो है उसको ढूंढना पड़ जाता था कि कहाँ है। कलर कर नहीं सकते क्योंकि प्रिंट आउट कलर में नहीं है, क्योंकि और भी चार हाईलाइटेशन हाईलाइटिंग होती थी, तो हमें यहाँ पे जीरो को कुछ अलग दिखाना था। हमने क्या किया था, इसको सिलेक्ट किया था और अलाइनमेंट में चले गए थे, नंबर फॉर्मेटिंग में, माफ कीजिएगा, इसकी अकाउंटिंग वाले पार्ट में आएंगे, और यहाँ पे हम नन कर देंगे, यहाँ जीरो सेलेक्ट कर देते हैं, मतलब कि डेस्टिनेशन प्लेस रखना रखिए वरना हटा दीजिए, एंड फिर उसको ओके कीजिए, तो आपका यहाँ पे जो जीरो है वो डैश विजिबल हो गया। अब यहाँ पे एक चीज क्लियर कर लीजिए, डैश में कन्वर्ट नहीं हुआ है, ओरिजिनल जीरो ही। कोई भी फॉर्मेटिंग आपकी ओरिजिनल वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता है, वो जस्ट चेंज करता है वो विजुअल वैल्यू को। ओके तो इसने विजुअल वैल्यू को ही चेंज किया, राइट right? अब इसमें आगे बढ़ते हैं। इसमें डेट का फॉर्मेट है, अगर आप कोई डेट डालते हो तो डेट को अपने हिसाब से फॉर्मेट कर सकते हो। डेट में डिफॉल्ट फॉर्मेट आपको जो दिख रहा है जो चाहिए सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे कंट्री भी है, अलग अलग कंट्री के अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, तो यूके का फॉर्मेट चाहिए तो यहाँ यूके का फॉर्मेट, इंडिया का भी फॉर्मेट इसमें है, इंडिया का फॉर्मेट चाहिए इसमें, इंग्लिश इंडिया बात कीजिएगा। इंडिया इंग्लिश इंडिया का फॉर्मेट ये है, अगर नहीं इसमें हिंदी करके भी फॉर्मेट आता है, ये देखिए हिंदी का ही फॉर्मेट है। तो आप अपने हिसाब से करेंसी की कंट्री या लैंग्वेज के हिसाब से फॉन्ट चूज कर सकते हो आप अपना डेट का, ऐसे सेम टाइम का होता है, बाकी परसेंटेज तो पता ही, परसेंटेज आता है। फ्रैक्शन क्या करता है ये देख लीजिए, जैसे 2.5 हमने दे दिया तो अभी ऐसा दिख रहा है, बट फ्रैक्शन में हम कुछ सेलेक्ट करेंगे तो 1/2 देखा है, जब मैंने हाफ लेवल सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे देखिएगा 2/2। कभी कभी इसकी जरूरत पड़ती है किसी फॉर्मेटिंग में तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद साइंटिफिक तो नॉर्मल है, टेक्स्ट। अब मान लीजिए कि मुझे इसमें चेक नंबर लिखना है, तो इसमें क्या होता है कि अगर आपने कोई चेक नंबर लिखा और उसमें आगे हमने जीरो लगा दिया तो जीरो एक्सेप्ट नहीं करता है, तो सिंगल कोट लगाते हैं और इसमें हम जीरो देते हैं तो जीरो एक्सेप्ट कर लेता है। अब पूरे कॉलम में मुझे चेक नंबर लिखना है तो हर पूरे कॉलम में सिंगल कोट लगाने से क्या फायदा, हम इसको सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल में जाएंगे और यहाँ टेक्स्ट को सिलेक्ट कर देंगे। ओके अब यहाँ पे मैं नॉर्मली कर सकता हूँ, फॉर्मूला भी हम लगाएंगे तो फॉर्मूला लग तो जाएगा बट परफॉर्म नहीं करेगा। क्लियर है सर? दीपक जी क्लियर है सर। अब आगे आता है, वो आता है हमारा कस्टम फॉर्मेटिंग।
हमारा कस्टम फॉर्मेटिंग आता है अगला चैप्टर। तो कस्टम फॉर्मेटिंग को करने के लिए आपको जो है एक वीडियो देखना पड़ेगा सर, मैं आपको देता हूं देखने के लिए। जी हाँ, ये रहा कस्टम फॉर्मेटिंग, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये, आपको वीवीएन तक पीछा नहीं छोड़ेगा सर, इसलिए थोड़ा सा इसको अच्छे तरीके से देखिएगा। तो ये वीडियो मैं आपको भेज दे रहा हूं, आप इसको एक बार देख लीजिए, फिर हम कल डिस्कस करेंगे कस्टम फॉर्मेटिंग। कस्टम फॉर्मेटिंग की दो क्लासेज होगी, कस्टम फॉर्मेटिंग एंड एडवांस कस्टम फॉर्मेटिंग। तो मैंने पहले ही बोला था जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा उसकी वीडियो पहले देखने के लिए दूंगा मैं, ताकि आप पहले से प्रिपेयर रहें। मैंने आपको व्हाट्सअप कर दिया है, आप उसको देख लीजिएगा। अब आपके पास कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं।